हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 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 जस्ट माध्यमिक का एग्जाम दिया है और अभी 11 क्लास में अभी आप इनरोल करने कराने जा रहे हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब आप लोगों का जो सिलेबस है वो चेंज हो जा रहा है और अब आपका इंट्रोड्यूस होने वाला है सेमेस्टर सिस्टम। मतलब अब आपके 11 में भी दो सेमेस्टर्स होंगे और साथ ही साथ 12 में भी दो सेमेस्टर होंगे। जो अभी फिलहाल दो एग्जाम हुआ करता था, 11 का एक और 12 का एक, अभी आपको चार एग्जाम देना होगा, 11 क्लास और 12 क्लास का अलग अलग। पहला सेमेस्टर का एग्जाम आपका नवंबर वाले में होने वाला था। मैंने ऑलरेडी इस सारे इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि बट ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन ममता दीदी के बोलने के बाद आएगा। ये वीडियो खासकर उसी के ऊपर है। ध्यान रखिएगा, कल 6 मार्च को एक WBCHSE का के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। अभी आप स्क्रीन पे देखो, ये नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई कर दिया गया कि अब आप जो भी स्टूडेंट 24-25 के टर्म में अपना इनरोलमेंट कराने जा रहे हैं 11 क्लास में, उन लोगों का सिलेबस नया वाला सिलेबस होगा और उन लोगों का सेमिस्टर वाइज एग्जाम होने वाला है। सर, सेमिस्टर वाइज एग्जाम होने से क्या मतलब है? सर, सेमिस्टर वाइज एग्जाम होने से ये मतलब ये है कि अब आपको क्लास 11 में दो एग्जाम देना है। पहला सेमिस्टर आपका नवंबर में होगा और दूसरा सेमिस्टर आपका वही मार्च अप्रैल में होगा। तो सर, ये जो दोनों टर्म का एग्जाम है, कौन लेगा, बोर्ड लेगा कि स्कूल लेगा? देखिए, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं आया। हमारे साथ बने रहिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको दबा के रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। हम लोग जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, इसके रिगार्डिंग हम लोग आपको यहाँ पे बता देंगे। अभी के लिए समझ के रख सकते हैं कि क्लास 11 का एग्जाम आपका स्कूल देगा, क्लास 12 का एग्जाम आपका बोर्ड देगा। दोनों का दोनों एग्जाम, सेमेस्टर 3 और 4 दोनों का एग्जाम 12 क्लास का जो होने वाला है वो काउंसिल की तरफ से ही होगा। एक और बात कि सर सिलेबस अब बताइए सर, अब तो क्या होगा, क्योंकि 6-6 महीने का सिलेबस होगा तो जाहिर सी बात है सिलेबस में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। हाँ सर, सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस आने वाला है। आपको कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको चेंजेस के बारे में जानना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैं जरूर से अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तक फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं है। यदि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं जरूर आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है? तो अब आप लोग अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास 10 के बाद बहुत सिंसियर स्टूडेंट होते हैं वो अपना ट्यूशन भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो हम लोग भी ऑनलाइन मोड में हम लोग क्लास 11 का चालू कर चुके हैं। यदि आप चाहो तो आप उसको इनरोल कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।